अलीगढ़ के निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतगणना शांतिपूर्ण समाप्त हो चुकी है। भाजपा के प्रत्याशी प्रशांत सिंगल ने लगभग 60,000 वोटों से जीत हासिल कर भाजपा को जीत दिलाई है। कि भाजपा कार्यालय पर किस तरीके से जीत को लेकर तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके की क्या व्यवस्था है, बात करेंगे। भाजपा कार्यालय पे, ये भाजपा का कार्यालय नहीं है, ये चुनाव कार्यालय था प्रशांत सिंगल का। यहाँ पे जो तैयारी चल रही है, आतिशबाजी यहाँ होगी, यहाँ उनका स्वागत होगा पूर्ण रूप से। भारी संख्या में यहाँ पर मतदाता आएंगे जिन्होंने मतदान करा था, और मैं तो यही कहूँगा कि हम तो पूर्ण रूप से पूरे सहयोग से प्रशांत जी के साथ है, और रामलीला गौशाला कमेटी जो यहाँ पे इनका जो चुनाव कार्यालय बना था यहाँ पे, वो सर्वप्रथम आएंगे और सभी लोगों का स्वागत करेंगे। किस तरह की तैयारी चल रही है भाजपा कार्यालय में? मेरे बराबर में अभी जो हमारे रामलीला गौशाला कमेटी के अध्यक्ष मिस्टर बिमल अग्रवाल जी ने जो बात कही, वह बिल्कुल सत्यतापूर्ण और बड़े अच्छे से। एक बुराई का समय था कि ये रामलीला का मैदान है, रामलीला यहाँ होती है। रावण पर राम जी ने विजय प्राप्त की थी, आज उसी तरीके से हर पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है, और उसका ये निष्कर्ष निकला है कि हमारे बीच में प्रशांत सिंगल जी लगभग 60,000 वोटों से आज जो उन्होंने जीत प्राप्त करी है, इतनी बड़ी जीत एक ऐतिहासिक जीत है। वैसे समाज के लिए बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। इसमें हर जन समुदाय ने जो उनका साथ दिया, मैं उन सभी का बड़ा आभारी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का, प्रशांत सिंगल जी का, उन्होंने इतना साथ दिया। सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी संगठन के पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी, माननीय जितने भी विधायकगण सांसद महोदय हैं, सभी का बहुत आभार कि उन्होंने प्रशांत सिंगल जी का इतना बड़ा साथ दिया। इतनी बड़ी जीत होना एक बहुत अपने आप में आयाम रखती है। सो प्रशांत सिंगल जी, आपको जनता ने मेयर बनाया है, अब जनता के बीच में आपको जो कार्य करना है, तभी आप एक बहुत बढ़िया, जैसे कि व्यक्तित्व के धनी हैं और आप मेयर पद के भी धनी हो जाएं, इससे बढ़िया। भाजपा कार्यालय पर किस जीत को लेकर किस तरीके की तैयारी हो रही है, ये बताइए। आज इतनी जीत की, जीत का जश्न तो पूरे जिला अलीगढ़ में मनाया जा रहा है, लेकिन भाजपा कार्यालय जो कि रामलीला भवन बनाया गया था, वहाँ पर हमारे अध्यक्ष महोदय बिमल अग्रवाल जी भी खड़े हुए हैं, सभी ने यहाँ पे लड्डुओं का अधिक से अधिक वितरण, जो कि 251 किलो लड्डू, और उनके लिए बहुत बड़ी फूलों की हार, ढोल नगाड़े, जश्न की पूरी तैयारी रामलीला ग्राउंड में चल रही है। देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा कार्यालय पर जीत की खुशी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। देखिए किस तरीके से साउंड वगैरह तैयार हो चुके हैं, लग रहे हैं, ढोल नगाड़े वाले आ चुके हैं, इधर मिठाइयाँ बटना चालू हो गई, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं।